नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने ये टाटा की हैरियर XZA+ ऑटोमेटिक वर्जन खड़ा है, 2023 लेटेस्ट वर्जन। आइए देखते हैं इस गाड़ी में 2022 की अपेक्षा 23 में क्या मुख्य बदलाव किए गए हैं। ऐसे तो सामने से फ्रंट प्रोफाइल देखें गाड़ी का, तो ऐसा कुछ खास बदलाव नहीं दिख रहा है। वही आपको हेडलैम्प, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, फोग लैम्प, सिल्वर क्रोम्स एंड DRL और वही पुराना ग्रिल मिल जाता है। लेकिन इसमें फ्रंट में जो मुख्य बदलाव है उसका 360 कैमरा, जो आपको नंबर प्लेट फ्रेम के जस्ट ऊपर में मिल जाता है, टाटा के लोगो के नीचे। बाकी आपका फ्रंट सेम पुरानी हैरियर के जैसे है, ऐसा कुछ खास बदलाव नहीं है फ्रंट प्रोफाइल में। इसके साइड की बात करें हम तो आपको इसमें 17 इंच के टायर विथ अलॉय व्हील मिल जाते हैं फ्रंट डिस्क ब्रेक के साथ। रियर व्यू मिरर आपके वही ऑटो फोल्डेबल हैं जो लॉक अनलॉक करने में ओपन क्लोज होते हैं। इसमें आपको एक एडिशनल ये है कि इसमें आपका 360 कैमरा एक शिफ्ट कर दिया गया है। बाकी फ्रंट प्रोफाइल में वही सिल्वर क्रोम हैंडल्स और कुछ ऐसा खास बदलाव नहीं है। रियर लुक इसका चेक करें अपन गाड़ी का, तो इसमें आपको कोई मुख्य बदलाव नहीं मिलता। आपको वही सार्क एंटीना मिल जाता है, डिफॉगर ग्लास मिल जाता है, आपकी एज इट इज़ ओल्ड ब्रेक लाइट्स हैं, रिवर्स लाइट्स हैं और रिवर्स सेंसर। बाकी पीछे से भी गाड़ी में ऐसा कोई बदलाव नहीं है 2023 में 2022 के अपेक्षा। सेम वही गाड़ी है, इसमें आपको 360 कैमरा एडिशनल ऐड कर दिया गया है, वही 70 इंचेस अलॉय व्हील्स हैं आपके। ऐसा कुछ भी न्यू एडिशनल गाड़ी के लुक में बदलाव नहीं किया गया है। इस गाड़ी के रियर राइट डोर में इसका टाटा का 25 ईयर सेलिब्रेशन का एक टैग लगाया गया है। इसमें टाटा यह बता रहा है कि 25 साल में इन्होंने 50 लाख गाड़ी सेल कर दी गई है। कंपनी का स्टार्टिंग डेट आपका 1998 से 2023 के बीच। अब इसके इंटीरियर की बात करते हैं। इंटीरियर में बहुत कुछ बदलाव है गाड़ी के, काफ़ी कुछ न्यू किया गया है टाटा की ओर से। डैशबोर्ड की बात करें आप तो वही डैशबोर्ड मिल जाता है इसका, सॉफ्ट टच ऊपर से डैशबोर्ड इसका सॉफ्ट टच है। डुअल टोन में मिल जाता है आपको, वुडन फिनिश में इसका सेंटर कंसोल मिल जाता है। एक प्यारी सी ग्रे कलर में आपको क्रोम फिनिश पट्टी दी गई है। एसी वेंट में एजिटिस क्रोम लगे हुए हैं। इसका मेन है 10.5-25 mm का म्यूजिक प्लेयर। बाकी आपको डोर फोर डोर पावर विंडो मिल जाते हैं, वही सिल्वर क्रोम इनर ओपनर डोर हैंडल मिल जाता है। मिरर एडजस्टेबल एजिटिस वहीं पे लगा हुआ है जो आपकी प्रीवियस हैरियर में आता था। इसके डिस्प्ले को काफ़ी क्लासी बना दिया गया है, एक अट्रैक्टिव लुक देता है, ऑन होते ही बहुत अच्छा दिखता है। यह ऑटोमेटिक वर्जन है, इसमें आपको विदाउट क्लच शिफ्टिंग गियर मिल जाता है। गियर में भी ऐसा कुछ इसके डिज़ाइन में चेंज नहीं किया गया है, वही पुराना हैरियर में जो आता था वही है। इसके थ्री मोड्स एजिटिस लगे हुए हैं। इसमें आपको एडिशनल पार्किंग ब्रेक दिया गया है ऑटो होल्ड ऑप्शन के साथ। एसी कंसोल भी वही पुराना मिल जाता है आपको। इसमें आप 360 देखेंगे आप तो ये काफ़ी अच्छा है। ये इसको आप 360 ऑन करना चाहें तो इसके मोड्स पैनल के बाजू में एक बटन दी गई है, इसे आप प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आप ऑन कर सकते हैं इसको। 360 कैमरे में आपको 2D 3D व्यू दोनों मिल जाता है। आप इसे 2D देखना चाहें 2D देख सकते हैं, 3D देखना चाहें 3D में देख सकते हैं। इसमें आपको 6 साइड से आप इसको व्यू कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एक कैमरा दिया है, इसको आप प्रेस करेंगे तो फ्रंट का दिखाएगा, इसको प्रेस करेंगे तो साइड दिखाएगा, रियर दिखाएगा, इससे आपका राइट साइड का व्यू दिखाएगा ओनली इसे प्रेस करने में, ये राइट साइड आपका व्यू दिखाएगा। रिवर्स कैमरे की क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है, बहुत प्यारा शो करता है। इसे आप बंद करेंगे रिवर्स कैमरा आपका चालू हो जाएगा जी। बहुत क्लीन व्यू है प्लस ड्राइव असिस्ट के साथ। और इसमें एक एडिशनल फीचर ये ऐड कर दिया गया है, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो आपको इसमें न्यू मिल जाता है।
प्लस आपको इसके म्यूज़िक प्लेयर में वीडियो डेमो भी मिल जाता है, आप अपने फ़ोन से वीडियो भी चला सकते हैं इसमें। जैसे आपको एक एग्जांपल के लिए दिखाते हैं, जैसे देखेंगे एक डेमो के लिए ये टाटा पंच का वीडियो, इसको प्ले करते हैं हम, इसका साइज बड़ा करते हैं, ये 3 साइज में आ जाएगा जूम ऑप्शन में। ये काफ़ी बेहतरीन स्क्रीन क्वालिटी है इसकी। इसके इंजन और सस्पेंशन में भी ऐसा कुछ मुख्य बदलाव नहीं है। इंजन आपको 2.0 लीटर 1956 सीसी का मिल जाता है। ₹168 BHP के साथ 350 mm का टार्क जनरेट करती है गाड़ी, और सेम एज इट इज पैनारोमिक सनरूफ भी इस गाड़ी में आपको मिल जाता है, जो काफ़ी बड़ा है, दूसरी गाड़ियों की अपेक्षा काफ़ी अट्रैक्टिव। इस गाड़ी की फ्रंट की टू डोर आपको इस गाड़ी में आपको फ्रंट 2 सीट्स ऑटोमेटिक्स मिल जाती हैं। इसके फ्रंट ड्राइवर सीट्स में आपको ड्राइवर सेटिंग्स भी मिल जाती है, आप 3 टाइप की सेटिंग्स कर सकते हैं। ये फुल्ली वेंटिलेटर सीट है, फ्रंट की बोथ साइड सीट्स आपको वेंटिलेटर मिल जाती हैं, जिसे आप वेंटिलेटर बटन से ऑन और एयर के एयर प्रेशर के लेवल को कम ज़्यादा कर सकते हैं। या इस गाड़ी के बारे में शॉर्ट ब्रीफ था। इस वीडियो के बाद हम इसको इस गाड़ी के मुख्य चीज़ें बताएंगे, इसकी सर्विसिंग वारंटी जो गाड़ी लेने के बाद बहुत ज़रूरी है, कब इसकी सर्विस करानी चाहिए, क्या सर्विस कॉस्ट है, क्या वारंटी है, कितने ईयर्स की वारंटी कंपनी देती है, एडिशनल आप कितने ईयर्स तक करा सकते हैं। धन्यवाद।